हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है एक कैंडल रेड कलर की, तो हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं। कैंडल वैक्स और लव लेटर, इन दो वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सबसे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ वो क्यों आपसे दूर हो गए। ठीक है, इसी के ऊपर ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। टॉपिक रहेगा कि वो क्यों दूर हो गए, क्या रीज़न है, क्यों दूर रह रहे हैं आपसे। ठीक है, अगर प्यार, आप बोलते हो ना कि रीडिंग्स में तो आता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये है वो है, तो दूर क्यों रह रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे वैसे तो अगर जनरली बात की जाए तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। या तो उनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, या तो करियर इश्यूज़ है। ठीक है, हर बार इंसान प्यार या रिश्ता, इसको मतलब ये अभी डिपेंड करता है इंसान इंसान पे। क्योंकि फॉर मी, अगर आप मेरे बारे में पूछो, बीइंग अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। मेरे लिए अगर लव लाइफ ठीक नहीं रहेगी तो मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और किसी भी चीज़ में, लाइक इन एनीथिंग, मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो अभी ये डिपेंड करता है इंसान इंसान पे। कोई कोई रह लेता है, कोई कोई कंट्रोल कर लेता है, या दूसरे सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है फॉर सम रीज़न लोग इसलिए भी दूर रहते हैं, ईगो के वजह से, अपने अड़ियल स्वभाव के वजह से। ठीक है, या थर्ड पार्टी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी बन जाती है, या कोई टॉक्सिक रिश्ता होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके वजह से प्यार होते हुए भी इंसान दूर रहता है, और दूर जाना भी उस रीज़न के वजह से भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ। ठीक है, सो चलिए अभी हम आपके लिए, जो इस वीडियो पे आ चुके हैं, क्लिक कर लिया आपने वीडियो पे और आप जानना चाहते हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर एक पॉसिबिलिटी बताऊँ आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो हर एक को अब कुछ ना कुछ रेजोनेट हो ही जाता है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ एक ही स्टोरी लाइन बता रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत अलग ही लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, इतने सारे लोगों के लिए एक ही चीज़ कैसे रेजोनेट हो सकती है। इसलिए मैं हर पॉसिबिलिटी बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक से अलग अलग सिचुएशन मैच करेगी। राइट, चलिए अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। फोकस प्लीज़ पूरे रीडिंग के दौरान अपने पर्सन पर रखिए, प्यार से उनके बारे में सोचिए, गुस्से से नहीं सोचना है, चिड़चिड़ेपन से नहीं सोचना है। ओके, तो फैन बंद ही करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ओके सो अब बात आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं इसको लाइट कर लेती हूँ, कैंडल को। ओके, सो शुरुआत करते हैं। फोकस प्लीज अपने पर्सन पे रखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। क्यों दूर हो गए आपके पार्टनर आपसे? आखिर क्या प्रॉब्लम्स है? ऑब्स्टेकल्स, तो मतलब उनका माइंडसेट ही बेसिकली ऐसा हो गया कि ये रिश्ते में इट्स नॉट ईजी, रिश्ता आसान नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, उनका नज़रिया है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बातें करूँगी क्योंकि कैंडल छोटी है, तो मैं चाहती हूँ सर सारे पॉइंट्स क्लियर हो। ठीक है, एक बार अगर कैंडल ख़त्म हो गई तो फिर भी मैं रीडिंग करूँगी, जो कैंडल वैक्स है बाउल में उसको देखकर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उन्हें का लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इट्स नॉट दैट ईजी। किसी किसी के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक ही हो, लेकिन उसके होने के चांसेस ज़्यादा है। कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी को लेकर कन्फ्यूजन, मुझे पी लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम हो पी से। मुझे यहाँ पे ब्लेम गेम्स बहुत नज़र आ रही, हो सकता है आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम डालते हो हर चीज़ का, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा, कंट्रोलिंग नेचर लगता है मुझे आपके पार्टनर का।
आई थिंक ये पर्सन आपके जो है हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, उनका कोई डिसीजन नहीं बन पाता है। अभी भी वो आपसे दूर है ना, तो आपको देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, प्यार करते हैं, बट कंफ्यूजन के चलते कोई डिसीजन नहीं ले रहे अब तक। ओके मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं। उनका माइंडसेट इस वक्त तो ऐसा ही है कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे कमिटमेंट को लेकर भी काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, कमिटमेंट की बात को लेकर बहुत सारे लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स हो चुकी है। अब रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज, मे बी वो करियर वाइज सेटल नहीं है अब तक, बट वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इस पर्सन के लाइफ में कई ऐसे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली ये भी रीज़न है जो वो आपसे दूर जाते हैं या दूर रह पाते हैं इतने लंबे समय तक, क्योंकि मुझे लगता है इनके आसपास ऐसे कई लोग हैं, इनके दोस्त या कोई थर्ड पार्टी जो इनको कंफ्यूज करता है, ठीक है, जो इनको रास्ते से भटकाता है और ये भी भटक जाते हैं बड़ी आसानी से। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं आजकल। मतलब दिन में, रात में तो नहीं सो पाते ये पर्सन, मे बी दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं, मतलब डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड नहीं है इस पर्सन को, ठीक है, आपके बिना। मुझे ऐसा भी लगता है बीमार है कुछ लोग, हो सकता है आपके पार्टनर बीमार है, कोई पेन या कोई इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, लंग्स की इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, खांसी, पेन, बैक पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे, बट दे आर रिकवरिंग। मुझे लगता है आने वाले 4-5 दिनों में वो रिकवर हो जाएंगे। ओके मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ना आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते, लाइक दे वांट टू मैरी यू, दे सी अ वाइफ और अ हस्बैंड इन यू। मतलब जो उन्होंने अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट किया था वो सारे गुण वो आप में देखते हैं, लाइक ऊपर से अंदर से आप टोटली वैसे हो जैसे इस पर्सन को इनका लाइफ पार्टनर चाहिए था। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको स्पाई बहुत कर रहा है इस वक्त। ये पर्सन मुझे लगता है इसलिए भी दूर हुआ है आपसे क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको बहुत लोगों का अटेंशन मिलता है और इनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पाता। इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई है या कुछ आप ऐसा करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो ये गलत फहमी भी है इनको। काफ़ी लोग, मुझे लगता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन है, डेफिनेटली काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत स्टबर्न है, हो सकता है कोई अथॉरिटिव पोजीशन पे हो, या फिर अपने आप को ऐसा समझते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो ग्रेट समझना, चाहे वो एज में आपसे बड़े हो छोटे हो, चाहे वो जॉब करते हो ना करते हो, कुछ भी करते हो, बट ये पर्सन ना अपने ईगो को नंबर वन प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, ये कभी भी अपने ईगो को नीचे नहीं गिरने देते, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए नंबर वन है। बट ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना एक थिन लाइन होती है, ये इन्होंने कब की क्रॉस कर दी है। इनको लगता है कि मेरा ईगो मतलब ही मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट ये गलत है। मुझे ये भी लगता है ये अपनी कोई बात मनवाना चाहते थे आपसे, बट वो आपने मानी नहीं शायद, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किसी बात को लेकर आप में नहीं हो पाया है, उस वजह से भी इन्होंने आपको दूर कर दिया। बहुत सेल्फ डिफेंसिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा,
अपनी बातों को सही मानना, अपनी बातों को सही करना, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है? किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा हो, इसलिए भी ये दूर गए आपसे। मे बी इनको लगा कि आपके साथ वो स्टेबिलिटी उन्हें नहीं मिल पाएगी। यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा, मतलब एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मे बी आपसे एज में छोटे हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? और बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है, चाहे आपसे छोटे हो बड़े हो, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है? मतलब माई वे और द हाई वे, इनका जो नेचर है ना वो ऐसा ही है कि तुम मेरी सुनो या फिर चलते बनो, इस टाइप का इनका नेचर है। नाइट टाइम ना स्पेशली इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक सो ही नहीं पाते ये पर्सन एकदम, मतलब स्ट्रेस में गाने सुनते हैं और हर गाने के बोल इनको आपकी याद दिलाते हैं, बिल्कुल रात को सो नहीं पाते आई थिंक, और दिन में सोते रहते हैं, ठीक है? बहुत लोगों की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने की इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। डोंट वरी, अगर आप में प्रॉब्लम्स है तो टेम्पररी है, ठीक है? डोंट वरी, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसे ही चलते रहेगा, ये तो मुझे प्यार देगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, डोंट वरी। आप दोनों ना मुझे लगता है इसके पहले भी काफ़ी बार ब्रेकअप होके करीब आए हो, लाइक बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हुआ है ऐसे कि ये पर्सन दूर गए वापस आ गए, दूर गए वापस आ गए, दूर गए वापस आ गए, जैसे मैग्नेट होता है ना, बिल्कुल उस तरह ये पर्सन आपके करीब आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर, ओके? तो रीजंस मैंने कुछ बता दिया आपको, इनकी एनर्जी भी बता दी क्या है, और देखेंगे, डोंट वरी, अभी ये कैंडल ख़त्म होने के बाद हम और देखेंगे कि क्या कुछ फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा डीपली फिर इसको एनालाइज करूँगी। मुझे लगता है आप दोनों में ईगो क्लैशेस या पावर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो उनको लगता है आप उनको कंट्रोल करने की या डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, वो तो करते ही है, ठीक है? बट आप, उनको लगता है आप भी करते हो, ठीक है? और ना कहीं मुझे ये भी लगता है उनको लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू, लाइक क्या ऐसा प्यार सच में होता है, इतना सीरियस, इतना ज़्यादा इंटेंस प्यार, ऐसा भी फील करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन ना जल्दी गिव अप नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है? लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, अपनी बात को सही मनवा के ही रहते हैं ये पर्सन, ठीक है? चलिए इसको रख देते हैं साइड में। ओके, मैंने कैंडल बुझा दिया। देखिए बेसिकली ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा, आप दोनों इसे इक्वली प्यार करते हो एक दूसरे से, चाहे रीज़न इनके आपके दूर जाने के लिए कोई भी हो, कुछ भी हो, दे लव यू, ठीक है? इंटेंस प्यार है इस पर्सन का आपको लेकर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कोई तो यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं कुछ टेक्निक अप्लाई कर रहे हो इनको आपके करीब लाने के लिए, या तो कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, बट या विजुअलाइजेशन कुछ तो कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग टू मेक देम रियलाइज योर लव, अपने छोर से आप मुझे लगता है 100% दे रहे हो ताकि ये आपका प्यार फिर से फील करे, वो वार्म्थ यू नो फील करे और फिर से आपके पास आए। तो समवन हियर इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग द अदर पर्सन, ठीक है? और वो मैनिफेस्टेशन ना भाई 100% काम कर रहा है उन पे, ठीक है? ये पर्सन के लिए आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है? मतलब जैसे हम कोई दुआ मांगते हैं और वो दुआ जैसे कबूल हो जाती है ना, एग्जैक्टली वैसा ही ये पर्सन को लगता है कि आपको इस पर्सन ने दुआ जैसे मांगते वैसा मांगा है और फिर आप इस पर्सन को मिले हो, ठीक है?
ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच के जो प्यार है उसको वापस लाना चाहते हैं. मैनिफेस्टेशन आपका डेफिनेटली काम कर रहा है इस इंसान के अंदर ऊपर, ठीक है. और नोइंगली अनोइंगली ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं ना, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी. एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है कि अब आप दोनों भी राज़ी हो, अब आप दोनों के अंदर एक्सेप्टेंस है, ठीक है. चाहे गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, सबसे ऊपर बढ़कर अब आप दोनों के लिए है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार. ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन अब अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने फीलिंग्स को छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे हो नहीं पाएगा. ओके. ये पर्सन ना आप पे अटके हैं, ठीक है. ये ना तो आपको भूल पा रहे हैं, ना तो आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो मतलब ये भुलाना भी नहीं चाहते आपको. ये ऐसे ही अपने लाइक अपने लाइफ में आपको रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इसको लेके जाना चाहते हैं. और इस पर्सन के लिए मे बी इन्होंने ट्राई भी किया है पास्ट में आपसे दूर जाना, आपको भुला देना या कुछ भी, लेकिन हो नहीं पाया. हमेशा ही आप पे अटके रहे हैं. बहुत पेशेंस रखा है इस पर्सन ने, ठीक है. मतलब इनका नेचर मुझे नहीं लगता पेशेंस रखने वाला है, बट फिर भी इस पर्सन ने काफ़ी पेशेंस रखा है आपके लिए, आप दोनों के प्यार के लिए. एंड वो पेशेंस मुझे लगता है रंग लाएगा, ठीक है. मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सोच रहे थे कि इस पर्सन को, ये पर्सन आए आपको जो हक है आपका इस प्यार पे वो आपको मिले, तो वो मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है. जिस हक, जो हक है ना आपका इस पर्सन के ज़िंदगी पे, इनके प्यार पे, वो हक आपको वापस मिलेगा. बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ और प्यार के साथ ये पर्सन वो हक आपके, आपको समर्पित करेंगे, ठीक है. बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है नेक्स्ट 8 आवर्स या नेक्स्ट 8 डेज, मतलब एक पूरा हफ्ता और अगले 8 घंटे बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है. मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, कुछ भी अचानक से आ सकता है. हो सकता है आप सोए हो और सुबह उठे और फ़ोन में इनका मैसेज हो, ठीक है. मुझे गुस्से में तो दिखाई दे रहे हैं, मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे ये गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बट ये गुस्से को ओवरकम करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है. गुस्से में ही सही, बट ये आपसे बात करेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है. यू नो, आपको टच करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपको फील करने के लिए इनके अंदर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है. मुझे कुछ लेटर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं क्लियरली जो दिख रहे हैं ना मुझे यहाँ पे, मैं वो बता देती हूँ आपको. यहाँ पे मुझे L दिख रहा है, P दिख रहा था शुरुआत में, मैंने आपको बोला था. मुझे यहाँ पे नंबर 4 दिख रहा है, A मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अल्फ़ाबेट A. पहले मैं अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ फिर नंबर्स बताती हूँ, ठीक है. मुझे यहाँ पे P दिख रहा है, L दिख रहा है, A दिख रहा है, I दिख रहा है, V दिख रहा है, T भी दिखाई दे रहा है, F है, O तो है ही. ओके, अल्फाबेट तो हो गए, इतने ही दिख रहे हैं मुझे. एस भी दिख रहा है, ठीक है, एस है यहाँ पे. एन भी है, वाई है, वाई, ठीक है. तो इतने ही अल्फाबेट्स है. अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे जे है, जे भी है, यस. अगर नहीं समझा है फिर से रिवाइंड करो और देख लो कौन से अल्फाबेट्स बताए मैंने. अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे 1, 4, 4 एकदम क्लियरली बहुत बार दिखाई दे रहा है. 0 हो सकता है 10 या 20, 30 जो भी है, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है. यस, 8 है, 14 है, 12 है, ठीक है. इतना ही अभी तक तो दिखाई दे रहा है. सो यही सारी एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे. ऑल्सो एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि
मुझे पता नहीं क्यों शुरुआत से ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू. ठीक है, भले ही इनके अंदर इतना कूट कूट के ईगो भरा है, बट ये आपको ऐसा समझते हैं कि आप कई गुना बेहतर हो उनसे. ठीक है, सो या दैट्स इट. इसीलिए वो आपसे दूर है. बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, मेरी दरख्वास्त है आपसे फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक चिपका दीजिए. एंड इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखती हूँ 5000. आई होप लाइक इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, प्लीज़ 5000 लाइक्स कर दो. एंड व्यू का मैं बताती हूँ, मुझे व्यूज़ इस वीडियो पे एक्सपेक्टेड है 37000. ठीक है, प्लीज़ 37000 व्यूज़ कर दीजिएगा. आपका इतना ही प्यार मेरे लिए काफ़ी है, मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ. 37000 व्यूज़ एंड 5000 लाइक्स. ठीक है, सो या अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ किसी से शेयर भी कर दीजिएगा. अगर किसी की हेल्प कर पाओ आप तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट. भले आप लाइक शेयर ना लाइक और कमेंट ना करो, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना किसी एक पर्सन से ताकि उनको हेल्प मिले. तो यही मेरा मोटिव है कि उन तक किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प मिले अपने कंडीशन में, ताकि वो अपने पर्सन को और बेहतर तरीके से जान सके, पहचान सके. सो या दैट वॉज इट. अपना ख्याल रखिएगा. अगर आप ब्रेसलेट के लिए, ये ब्रेसलेट है जो मैं पर्सनली एक्टिवेट करती हूँ आपके किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, और करियर के लिए भी है मेरे पास. ठीक है, साइट्रीन. तो आप अगर लेना चाह, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, आपकी लव लाइफ इंप्रूव करनी है, या आपकी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तीनों भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं. प्राइस मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि क्या होता है, वो वैरी करती है आपके पिन कोड के हिसाब से. अगर बहुत दूर है तो उस तरह से उसके प्राइजेस होंगे. तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया है ना नीचे, उस पर मुझे मैसेज करिएगा. बट ब्रेसलेट के लिए जो नंबर दिया उसी पर मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो रीडिंग के लिए नंबर दिया वहाँ पे ब्रेसलेट की इंक्वायरी करेंगे, ब्रेसलेट के लिए दिया वहाँ पे रीडिंग की इंक्वायरी करेंगे. तो मेरा टाइम, इसीलिए मैं रिप्लाई भी नहीं देती हूँ कुछ लोगों को जो लोग ऐसे उल्टे पुल्टे मैसेजेस करते हैं. तो प्लीज़ ठीक से देखिए और रिप्लाई करिए, मैसेज करिए. ठीक है, फिर आपको रिप्लाई मिलेंगे, थोड़े लेट ही सही बट मिलेंगे. क्योंकि क्या होता है, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, सबसे डील करना थोड़ा टाइम लग जाता है. तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, ख्याल रखिए अपना. ठीक है.